नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर की मंडी प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी तो है ही, आय के मामले में देश की सबसे बड़ी मंडियों में से भी है। इंदौर कृषि उपज मंडी में पिछले दिनों लगातार बहुत सारे उल्लेखनीय काम हुए और इसीलिए आज इस कार्यक्रम में हमने अपने खास मेहमान के रूप में इंदौर कृषि उपज मंडी समिति के अध्यक्ष श्री सोमेश्वर पटेल को आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पटेल साहब हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद साहब। क्या क्या काम आपने किए पिछले 7 सालों में मंडी में? इंदौर मंडी के अंदर एक एक मंडी की आपको मैं अलग अलग बात करूंगा। छावनी अनाज मंडी में बिल्कुल अस्त व्यस्त मामला था। पूरी मंडी को मैंने सीमेंट कॉन्क्रीट करवाया, किसानों के लिए माल रखने के लिए इस मंडी के अंदर शेड बनवाए। यहाँ पर अनाज बटोरने वाली बाइयों का आतंक था। यहाँ पर करीब 100 बोरी माल किसानों को अनाज बटोरने वाली बाइयाँ छीन कर ले जाती थी, उनको मैंने मंडी के अंदर से बाहर करवाया। किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था, मैंने 5 रुपये में सब्जी पूड़ी किसान को मिले, ये मैंने छावनी अनाज मंडी में व्यवस्था करवाई। और किसान अगर बाहर का कोई किसान आए तो उनको ठहरने के लिए व्यवस्था मैंने छावनी अनाज मंडी में करवाई। इसके बाद फल सब्जी मंडी है, वहाँ पर भी बिल्कुल वीरान मंडी थी ये। इस मंडी के अंदर 1 फीट भी सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड नहीं थी। आज पूरी मंडी को मैंने पूरी RCC से सीमेंट कॉन्क्रीट पूरी करवा दी है। किसानों के लिए यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मैंने शेड बनवाए हैं, यहाँ पर किसान भवन बनवाया है। जैसी छावनी अनाज मंडी में 5 रुपये में सब्जी पूड़ी किसान को मिले, ये व्यवस्था फल सब्जी मंडी के अंदर मैंने करवाई है। यहाँ पर जानवर, किसानों का माल, करीब 500 जानवर आवारा पशु इस मंडी के अंदर घूमते थे, इनको मैंने बड़ी ताकत से बाहर करवाया। बहुत कठिन काम था। इसके अलावा इसी मंडी के अंदर हमने एक फूल मंडी का भी निर्माण किया है। मध्य प्रदेश में ये पहली मंडी है, भारत में पहली मंडी बेंगलोर में है। दूसरी मंडी फूल मंडी हमारी देवी अहिल्या फल सब्जी में मंडी में हमने बनाई है। इसके अलावा यहाँ पर बाहर के किसान बहुत आते हैं। जो भी किसान मंडी के अंदर आता है उसका अच्छे भाव में माल बिके, और इन 12 वर्षों में एक भी किसान ऐसा मंडी मेरे कार्यकाल के अंदर कि मंडी में माल लाया और उसका कोई व्यापारी पैसा खा गया, ऐसा अभी तक मेरे 10 साल के इतिहास में मेरी मंडी के अंदर नहीं हुआ। शुरू के 10 साल से आप मंडी अध्यक्ष हैं, तो शुरू के 3 साल का आपने कोई जिक्र नहीं किया, 3 साल क्यों कोई काम नहीं कर पाया? यहाँ पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी और उनके एक सेक्रेटरी थे ललित दाहिमा। माननीय मुख्यमंत्री जी चाह नहीं रहे थे कि इंदौर मंडी में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष रहे। मैंने 3 साल तक खूब संघर्ष किया। सेक्रेटरी भ्रष्टाचार करना चाहता था, मैंने भ्रष्टाचार उसको उसने फिर भी किया, क्योंकि कांग्रेस के साथ वो जुड़ा था, दिग्विजय सिंह जी के साथ जुड़ा था वो, उसने भ्रष्टाचार किया। आपने कितनी शिकायतें की उसकी? बहुत। मैंने 70 शिकायतें उसकी की और वो साबित भी हुई। UW में उसका केस भी चल रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो मैंने उसका पीछा ही छोड़ दिया, उसकी कोई मैंने शिकायत भी नहीं की। कांग्रेस की सरकार में ही मैंने उसकी शिकायत की थी। तो उसके बाद भ्रष्टाचार रोक दिया उसने बीजेपी की सरकार आने के बाद? वो उसका ट्रांसफर ही हो गया, इतना दिग्विजय सिंह जी की ज्यादा ही बात खराब होने लगी थी, तो उन्होंने खुद ने उसका ट्रांसफर वहां से करवा दिया। अभी किसानों का समर्थन मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य क्या मिल रहा है किसानों को? किसानों को केंद्र की सरकार ने मात्र इस वर्ष 65 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कुल कितना है समर्थन मूल्य अभी? 1350 रुपये क्विंटल के भाव में खरीदेंगे समर्थन मूल्य, मात्र 65 रुपये बढ़ा इस साल। तो ठीक है या नहीं? नहीं, ठीक नहीं है। जो सरकार भी 100 रुपये दे रही है, शिवराज जी तो करीब 5-7 साल से 100 रुपये क्विंटल किसानों को दे रहे हैं और 0% पे ऋण भी बांट रहे हैं वो। अगर कोई किसान अपना माल नहीं बेचे तो सहकारी संस्थाओं से वो पैसे लेके
अपना माल कहीं भी वेयर हाउस में रख सकता है और जब अच्छे भाव किसान को मिले जब वो बेच सकता है। लोग कहते हैं कि मंडी में आपको काम करने नहीं देते कुछ लोग, ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं काम करता हूं मंडी के अंदर। आपकी अधूरी एक बात है समर्थन मूल्य वाली। केंद्र सरकार ने खाद जो 400 रुपए की बोरी मिल रही थी, केंद्र सरकार ने उसको 1200 रुपए की कर दी। अगर केंद्र सरकार चाहती तो 65 रुपए बढ़ाए समर्थन मूल्य में, इसके 3 गुना भी भाव समर्थन मूल्य केंद्र सरकार दे सकती थी। अभी हम सब किसानों ने रायपुर में किसान मोर्चे का सम्मेलन हुआ था, हमने वहां पर किसान के घर में किस भाव में गेहूं पड़ता है, किस भाव में पड़ता है बताइए? 1400 रुपए क्विंटल में गेहूं किसान के मात्र घर में पड़ता है। इसके बाद अगर केंद्र सरकार इसमें कोई मदद करे तो किसान के जेब में आता है। गेहूं का समर्थन मूल्य 1800 रुपए क्विंटल होना चाहिए जब किसान के पास होना चाहिए। अच्छा, इंदौर मंडी में बहुत सा कारोबार बाहर से होता है, मंडी में आता ही नहीं माल, ऐसा भी है? नहीं, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी ने इस किसान हित में ऐसा काम सोचा था कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, मगर उसका दुरुपयोग व्यापारी करने लगे हैं। किसान अभी इस मामले में असुरक्षित है, बाहर माल बिकेगा तो उसकी कोई गारंटी रहती नहीं है। अभी इंदौर से ही 70-80 गाड़ी आलू की व्यापारी किसान के नाम पर दूसरे प्रदेशों में ले जा रहे हैं, इसमें मंडी का बहुत नुकसान हो रहा है और किसान भी इसमें असुरक्षित है। क्योंकि किसान क्यों असुरक्षित? उसको ज्यादा भाव मिल रहा है, उसको लिखा पढ़ी कोई नहीं है, वो लालच में भाव दे के ले लेता और बाकी पेमेंट उसको समय पर कर नहीं पाते। कितने ही किसान मेरे पास आए कि इस व्यापारी ने ले लिया और मेरे को कम भाव में बाद में पेमेंट किया। सोमेश्वर जी, आप इतने पुराने नेता हैं, किसानों के नेता हैं, तो आप विधायक विधायक क्यों नहीं बनते? विधानसभा में जाके अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या शहर के नेता आपको आड़े आते हैं? ऐसी बात नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन आदेश देता है उसी का कार्य हम करते हैं। विधायक से कमजोर मंडी अध्यक्ष इंदौर का नहीं है। विधायक से कमजोर नहीं? 6 विधानसभा क्षेत्र में हमारी इंदौर मंडी बसी है और विधायक तो एक विधानसभा का ही विधायक रहता है। मतलब उस हिसाब से आपका दावा लोकसभा के लिए होना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए आदेश देगी वही हम करते हैं। अभी क्या क्या काम आप कर रहे हैं मंडी में? मंडी में मैं अभी जो भ्रष्टाचार इधर बढ़ गया है, 1 तारीख से मैं सघन इस कार्यक्रम में लगा हूं कि मंडी की आय वापिस निरंतर बढ़ती रहे। मेरे 10 साल के कार्यकाल में 1 महीना ऐसा गया नहीं था कि जिसमें मंडी की आय बढ़ी नहीं। फिर मेरा प्रयास इस बार है कि इस वर्ष में मैं 1 अरब रुपए की इंदौर मंडी को बनाने का संकल्प ले चुका हूं। पूरी मेहनत बनेगी। नई मंडी कहाँ बनेगी? ये छावनी अनाज मंडी को हमने बाईपास पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया है और पहले भी हमने प्रस्ताव ये भोपाल भेजा है। 2 साल में हमारे इसमें जनप्रतिनिधि नहीं होने से ये फाइल वहीं की वहीं अटकी है। और होगा इतनी विशाल 1 अरब की मंडी बनेगी, उसमें क्या होगा, कितने एकड़ में होगी, क्या प्रस्ताव है? 80 एकड़ जमीन हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर छावनी अनाज मंडी में बहुत किसानों को परेशानी होने लग गई है। मात्र 20 एकड़ की मंडी है वो, और छावनी अनाज मंडी अगर बाईपास पर शिफ्ट हो जाए तो 10 करोड़ हर साल का राजस्व भी सरकार का बढ़ेगा। शहर के अंदर ये मंडी होने से किसान अनाज तो वही होता है, वहां जाने पे कैसे राजस्व बढ़ेगा? किसान वहां पर आने में घबराता है छावनी मंडी में, छावनी मंडी में, क्योंकि शहर के बीच में ये मंडी है। कोई डरने वाले किसान बाहर छोटे कहीं व्यापारियों को अपना सीधा सौदा कर देते हैं और डायरेक्ट मंडी के अंदर उनका प्रवेश नहीं हो सकता, वो सीधा माल बाहर भेज देते हैं। सीधा माल बाहर भेज देते। आप मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के भी सदस्य रहे, वहाँ क्या किया है आपने? मंडी बोर्ड में हम रहे, हमने पहले कभी मंडी समिति से कहीं रोड नहीं बने, मंडी बोर्ड से हमने मंडी बोर्ड में प्रावधान लाए हम कि जिस
मंडी एरिया में हम चुनाव लड़े हैं, कैसे वोट मांगेंगे? हमने वहां माननीय मंत्री जी को बोला कि हम मंडी अध्यक्ष तो बन के आ गए, हम कैसे वोट किसानों से मांगेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दे? फिर हमने 1 करोड़ रुपए की वहां पर मंडी बोर्ड का जो सदस्य है उसको 1 करोड़ रुपए हर साल के लिए वहां से प्रावधान करवा कर हमने मंडी क्षेत्र में इस पैसे को लगवाया। मतलब विधानसभा क्षेत्र के अलावा ये आप भी वो कार्य करते हैं, विधायकों के अलावा, ग्राम पंचायतों के अलावा, सड़कें बनाना, पुल बनाना, ये काम भी किया? हाँ, किया ना, सड़कें, पुल, सीसी रोड। अब हर 32 मंडी के अंदर एक मंडी बोर्ड सदस्य बनता है तो बहुत लंबा एरिया है। हाँ। इंदौर संभाग में 32 मंडियां हैं जी। अभी हमारी मंडी समिति की आज ही बैठक थी, हमको पहले अधिकार ये था कि मंडी समिति का जो पैसा है वो मंडी प्रांगण में ही लगाया जाए। हमने आज मंडी समिति की बैठक में प्रस्ताव किया है कि मंडी समिति मंडी क्षेत्र में भी विकास कर सके, ऐसा हमने प्रस्ताव करके मंडी बोर्ड को हम भेज रहे हैं। अगर ये प्रस्ताव पास हुआ तो इंदौर मंडी क्षेत्र में, मैं बता दूं आपको, विधायक सांसद किसी को पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, इंदौर मंडी सक्षम है इंदौर तहसील को। अभी कितना प्रतिशत आप लेते हैं मंडी शुल्क? 2% मंडी शुल्क लेते हैं। इसमें से मंडी के पास कितना आता है? 1 रुपया तो मंडी बोर्ड, ये सड़क निधि में जाता है, कहीं निराश्रित पेंशन में जाता है, मंडी के मात्र 15 पैसे इंदौर मंडी के पास बचते हैं। 2 रुपए में से केवल 15 पैसे, 15 पैसे हमारे पास रहते हैं और उस राशि से आप सारे विकास कार्य करते हैं? हाँ, उस राशि से हम विकास करते हैं। इंदौर मंडी के लिए और क्या योजना है आपकी? इंदौर मंडी में तो ये छावनी अनाज मंडी का ही है, बाकी फल सब्जी मंडी के अंदर भी हमारे पास जगह कम पड़ने लग गई है, उसके पास आईडीए की जमीन है, हम प्रस्ताव करके आईडीए से 5-4 एकड़ जमीन और लेंगे, क्योंकि जो फल सब्जी मंडी है एशिया महाद्वीप में, हमारी इंदौर की जो फल सब्जी मंडी है देवीलिया, सबसे बड़ी मंडी है इंदौर, तो उसका भी हमको करीब 5-10 एकड़ जमीन आईडीए से लेकर उसका क्षेत्र बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अभी इस बार छोटी पड़ने लगी है। आपको कहाँ की मंडी सबसे अच्छी लगी पूरे देश में? मेरे को तो इंदौर मंडी अच्छी लगती है, मेरी मंडी है, और किसी भारत के अंदर किसी मंडी से इंदौर मंडी कमजोर है नहीं। पंजाब हरियाणा में मंडियों के क्या हाल है? पंजाब में, हरियाणा में उस प्रदेश की सरकार के हिसाब से ठीक है, अलग अलग प्रदेश के अंदर अलग अलग मंडी के अधिनियम है, उनके अधिनियम अलग है, हमारे इंदौर के अधिनियम अलग है। हाँ, मध्य प्रदेश में अलग कानून अलग है, हर प्रदेश के अंदर अपनी मंडियों के अलग अलग कानून है। ये मंडी जो आप शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या रुकावट आ रही है और वो रुकावट कैसे दूर करेंगे? क्या इसमें कुछ नेता भी वहां पर लगे हैं, उनके जिन किसानों की जमीन जा रही है, अलग अलग पत्र लगा रखे हैं वहां मंडी बोर्ड में अंदर अड़चन डालने के लिए? अच्छा। और मात्र किसानों को तो मंडी के लिए शहर की जमीन चाहिए। हाँ। आईडीए में गांव वालों ने बहुत जमीन दी है। हाँ। और इसमें हम निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी से करेंगे, हमारे किसानों की जमीन जाती है TCS के लिए, किसानों की जमीन जाती है इंफोसिस के लिए, किसानों की जमीन जाती है डायस पार्क के लिए, किसानों की जमीन जाती है इम्पेटस के लिए, लेकिन किसानों की मंडी के लिए जमीन देने में सरकार को तकलीफ? सरकार को तकलीफ नहीं है, अधिकारियों को तकलीफ, अधिकारियों को तकलीफ। सरकार तो हमारी, शिवराज जी सबका काम करते हैं, कैलाश जी, विजयवर्गी सबका काम करते हैं। ये कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने की बात है और आप कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार के में बहुत फायदा हुआ किसानों को, किसानों खेती का रकबा बहुत बढ़ा, सिंचाई का रकबा बहुत बढ़ा, क्या वाकई ऐसा हुआ? ये सब शिवराज सिंह जी की मेहनत है या नर्मदा मैया की कृपा है? शिवराज जी की मेहनत है इसमें, नर्मदा जी का एरिया मात्र निमाड़ के अंदर अभी नर्मदा जी की नहर गई है। शिवराज जी ने इसमें किसानों के लिए बलराम तालाब योजना निकाली है, 80,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार किसानों को तालाब खोदने के लिए फ्री दे रही है। मैं इधर सांवेर विधानसभा मैं रहता हूं, आप उधर आकर आपका एक दिन दौरा करता हूं, हजारों तालाब किसानों ने बलराम तालाब योजना से बनाए हैं। इसके अलावा जो किसान की खेती में पाइप लगते हैं, हाँ। उसमें 70% की मध्य प्रदेश की सरकार सब्सिडी दे रही है, तो किसान को शिवराज जी ने जो सुविधा दी है, अच्छा बीज मिले, खाद मिले,
खाद के लिए भी उनने बहुत एडवांस केंद्र सरकार को पैसे जमा करवा कर मध्य प्रदेश के किसानों को खाद भी दिलवाया है। एक साल का स्टॉक रख लिया खाद का किसानों को। अभी चार महीने तक अगर किसान अपना खाद रखे तो मध्य प्रदेश सरकार ब्याज स्वयं के खाते में से दे रही है। सोमेश्वर पटेल जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने मंडी के बारे में बहुत सी बातें बताई। कृषि उपज मंडी समिति के आप अध्यक्ष हैं और आपने बहुत सारे उल्लेखनीय कार्य किए। हमारी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि मंडी का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, तो ही शहरों का विकास होगा, देश का विकास होगा। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका। न्यूज़ मेकर्स का ये कार्यक्रम आप यूट्यूब पर जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।